बाहर खड़े हैं, आप लोग आकर के यहाँ पे आप लोग बैठिए, हम लोग प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। ये हम लोग सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ये हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। आज इस समय में हम लोग मिलके दुआ करें, प्रार्थना करें हमारे इस प्रिय प्रिय परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट में आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप कितना महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय इस दुख की वेला में प्रभु जी पिता हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपके दास, आपके प्रिय दास परमेश्वर, इतने साल प्रभु इस जगह में सीहोर क्षेत्र में पिता अपने जन्मभूमि को अपने देश को छोड़ के प्रभु जी यहाँ आके प्रभु पिता अपने सेवा को किया, अपने दौड़ को पूरी किया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज पिता उनके इस अंतिम यात्रा के लिए प्रभु, जरूर इस पृथ्वी पर का अंतिम यात्रा हम कहते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग के लिए उनके पास में पिता यात्रा भी बाकी है। वो स्वर्ग में पहुंचेंगे, स्वर्ग में पहुंच चुके हैं प्रभु आपके कलाम के अनुसार में। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपके दास को आपने इस पृथ्वी पर से बुलाया परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने जगह में पिता उस अनंत अनंत निवास में जिसके लिए हम विश्वासी जीवन जीते हैं प्रभु जी आपने प्रवेश कराया परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जरूर परिवार दुखी है परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आपके शांति जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, आप इस जगह में उंडेल है परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ करते हैं, हम बाइबल के अनुसार में प्रभु जी अन्य लोगों के समान नहीं जो हम शोक करते हैं, लेकिन आपका कलाम कहता है हमारे लिए एक धन्य आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें लेके जाएंगे। प्रभु जी आज के इस कार्यक्रम में प्रभु आपकी उपस्थिति के हाथ को हम मांगते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति का हाथ बनी रहे प्रभु जी। पिता आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, जो लोग मार्ग में हैं उन्हें भी आप लेके आना ताकि हम एक साथ मिलके प्रभु जी आपके नाम को धन्य कह सके परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आगे का समय मैं पास्टर मुझे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्रित है कि हमारे ये पिता प्रभु के दास और दीर्घ वर्षों तक अपनी स्वर्गीय मुलाकात की आज्ञाकारी होकर अपने मुल्क को छोड़कर उत्तर भारत में मध्य प्रदेश होशंगाबाद 10 वर्ष और उसके पश्चात सीहोर में रहकर अपने अंतिम समय तक यहाँ पर सेवा करते रहे। आज प्रभु के भक्त के पार्थिव शरीर हमारे बीच में है, प्रभु के वचन के अनुसार इस प्रभु के सेवक के इस पार्थिव शरीर को हम पोषणों के बाद इस मिट्टी में जो मिट्टी से है मिट्टी में सौंपेंगे। उस बड़ी सी विदाई के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। इस विदाई समारोह में उपस्थित सभी जनों का हम स्वागत करते हैं, तमाम परिवार के लोग, रिश्तेदारगण, कलीसियाएँ, प्रभु के वाटिका में सेवा करने वाले प्रभु के सेवकगणों की एक बड़ी सूची हमारे साथ में है। वे सब प्रभु के सेवक को विदाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम आराधना में चलेंगे। मैं अनुरोध करूँगा इस समय पास्टर सुनील और पास्टर मेलविन हमें गीतों की सेवकाई में हमें आगे लेकर चलें। भैया मिलकर इस गीत को गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही है आनंद प्रेम से, लिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार एक और गीत को हम गाएंगे, सियोन देश हमारे देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, गाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 का अंध होगा, यहाँ के सुखों का अंध होगा, वहाँ के सुखों का अंध न होगा, वहाँ के सुखों का अंध न होगा। सियोन देश मारा है देश, रहते हम पर देश, जाएंगे हम अपने दे। सियोन दे हमारा है दे, रहते हम पार दे, जाएंगे
हम अपने दे, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुखे ये आंसू यीशु पोछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोछेगा, सियोन देश मारा है देश, रहते हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे, सियोन देश मारा है दे, रहते हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पास्टर सी एस पैट्रिक आगे आकर भजन संगीता मंदिर पढ़कर हम आगे की सेवकाई में हम चलने पाए। हे स्वामी, तू अनादिकाल से हमारा घर रहा है। हे परमेश्वर, तू पर्वतों से पहले, धरती से पहले था कि इस जगत के पहले ही परमेश्वर था। तू सर्वदा ही परमेश्वर रहेगा। तू ही इस जगत में लोगों को लाता है, फिर से तू ही उनको धूल में बदल देता है। तेरे लिए हजार वर्ष बीते हुए कल जैसे हैं, वह पृथ्वी रात जैसे है। तो हमारा जीवन सपनों जैसा बुहार देता है और सुबह होते ही हम चले जाते हैं। हम ऐसे घास जैसे हैं जो सुबह उगती है और शाम वह शाम को सूख कर मुरझा जाती है। हे परमेश्वर, जब तू कुपित होता है हम नष्ट हो जाते हैं, हम तेरे प्रकोप से घबरा गए हैं। तू हमारे सब पापों को जानता है। हे परमेश्वर, तू हमारे हर छिपे पाप को देखा करता है। तेरा क्रोध हमारे जीवन को खत्म कर सकता है। हमारे प्राण फुसफुसाकर फुसफुसाहट की तरह विलीन हो जाते हैं। हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, यदि हम शक्तिशाली हैं तो 80 साल। हमारा जीवन परिश्रम और पीड़ा से भरा है। अचानक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हम उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। हे परमेश्वर, सचमुच कोई भी व्यक्ति तेरे क्रोध की पूरी शक्ति नहीं जानता, किंतु हे परमेश्वर, हमारा भय और सम्मान तेरे लिए उतना ही महान है जितना क्रोध। तो हमको सिखा दे कि हम सचमुच यह जाने कि हमारा जीवन कितना छोटा है, ताकि हम बुद्धिमान बन सकें। हे यहोवा, तू सदा हमारे पास लौट आ, अपने सेवकों पर दया कर। प्रतिदिन सुबह हम अपने प्रेम से परिपूर्ण कर, आओ हम प्रसन्न हो और अपने जीवन का रस लें। तो हमारे जीवनों में हमें बहुत पीड़ा और यातना दी है, अब हमें प्रसन्न कर दे। तेरे दासों को उन अद्भुत बातों को देखने दे जिनको तू उनके लिए कर सकता है, और अपनी संतानों को अपनी महिमा दिखा। हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी, हम पर कृपालु हो, जो कुछ हम करते हैं तो उसमें सफलता दे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम गीतों में चलेंगे, पास्टर सुनील अपने गुण के साथ। एक मलयालम गीत को हम गाएंगे, मणमयमामील ई उलगिल काणमदुमाय वन महिमा धनम सुखंगल सकलवुमाय।
மாமியுலகில் காண்மதும் மாயா, வன்மஹிமாதன சுகங்கள் சகலவும் மாயா. மண்மய மாமியுலகில் காண்மதும் மாயா, வன்மஹிமாதன சுகங்கள் சகலவும் மாயா. மண்ணில் நம்மள் ஜீவிதமோ புல்லினே போலே, இன்னு கண்டு நாளே வாடும் பூக்களே போலே. மண்ணில் நம்மள் ஜீவிதமோ புல்லினே போலே, இன்னு கண்டு நாளே வாடும் பூக்களே போலே. தானியந்தனால் லாபம் கீர்த்தி ஆனஷ்டமாகும், மான்யமித்ரராக நம்மே பிரிஞ்சு நீ போகும். தானியந்தனம் லாபம் கீர்த்தி ஆனஷ்டமாகும், மான்யமித்ரராக நம்மே பிரிஞ்சு நீ போகும். ஏழு பத்தோ ஏறையாயால் எண்பது மாத்திரம், நீளுமாயு சது நினைச்சால் கஷ்டத மாத்திரம். ஏழு பத்தோ ஏறையாயால் எண்பது மாத்திரம், நீளுமாயு சது நினைச்சால் கஷ்டத மாத்திரம். லோகமரு பூவில் மர்த்தியனாஸ்ரயம் தேடி, சோக கொடும் வெயிலில் ஐயோ வீழுந்து வாடி. லோகமரு பூவில் மர்த்தியன் ஆசிரயம் தேடி, சோக கொடும் வெயிலில் ஐயோ வீழுந்து வாடி. தெய்வ மக்கள் நமக்கு சொர்க்கம் ஆசுந்த தேசம், கேவலமே பாரிடமோ வரும் பரதேசம். தெய்வ மக்கள் நமக்கு சொர்க்கம் ஆசுந்த தேசம், கேவலமே பாரிடமோ வரும் பரதேசம். மண்மயமாமே உலகில் காண்மதும் மாயா, வன்மஹிமாதன சுகங்கள் சகலவும் மாயா. மண்மய மாமியுலகில் காண்மதும் மாயா, வன்மஹிமாதன சுகங்கள் சகலவும் மாயா. அப் மே அனுரோத் கருங்கா பிரதர் கே கே சசிதரன் ஜோ பரிவார் சே ஹே ஹமே பரிவார் கே ஸ்மரண் மே லேகர் சலேங்கே. मैं उन्हें आगे बुलाता हूँ. फैमिली रिमेम्बरेंस के लिए ब्रदर के के शशिधरन, इसके बाद इवेंजलिस्ट पॉल पॉलुस और मिस्टर एमएम जोसेफ, ये तीनों बारी बारी से अपने परिवार के उन स्मरणों को जो पिता के साथ में है हमारे साथ में साझा करेंगे. ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ വേർപാടോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട കർത്തൃദാസന്മാർ, ആയതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന്റെ സമാപനം ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ, മറ്റ് വിലപ്പെട്ട കർത്തൃദാസന്മാർ, സഭാ വ്യത്യാസം കൂടാതെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഹമാരെ പിതാക്കി ഇസ് അന്തിം യാത്രാ മേ യഹാ പർ ഉപസ്ഥിത് ആപ് പ്രഭു കേ ദാസ്ഗൺ, विशेषकर इस अंतिम यात्रा की मुख्य सेवकाई करने के लिए बीच में उपस्थित परमेश्वर के दास डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस और तमाम सेवकाइयों से हमारे बीच में उपस्थित परमेश्वर के श्रेष्ठ दासगण, हमारे परिवार से आए हुए हमारे भाई बहन रिश्तेदारगण मित्रगण सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ.
ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരനാണ്. അവർക്കൊരു സഹോദരിയുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളാണ്. 1941 ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് മാതാപിതാക്കളാൽ വളർത്തപ്പെട്ട് 1961-62-63 കാലയളവിൽ ഹെബ്രോൺ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വേദ പഠനത്തിന് കടന്നു പോവുകയും സുവിശേഷ വേളയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയതിനു ശേഷം ഈ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാനും ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കി തീർത്തു. ദോ ഭായി ഓർ എക് ബഹൻ ഉസ്മേ സബ്സേ ഛോട്ടേ വേ പായ ജാതേ ഹേ 1940 കെ ദശക് മേ സംസാര മേ പരമേശ്വർ നേ ഉനേ ദിയാ ഓർ 1961-62 കെ ദശക് മേ ഉനോനേ കുംഭനാട് ബൈബിൾ കോളേജ് മേ ജാകർ പരമേശ്വർ കെ വചൻ കാ അധ്യയൻ കിയാ. തുടർന്ന് ഈ ദേശത്ത് സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഷങ്കദാബാദ്, സീഹോർ, ഭോപ്പാൽ, ഇറ്റാർസി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാനും തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പ്രായത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ വിരമിച്ച് ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ. 1965-66 മേ ഇറ്റാർസി മേ അധ്യയനം കർനേ കെ പശ്ചാത് ഹോഷംഗബാദ് മേ ഉസ്കെ പശ്ചാത് സീഹോർ, ഭോപ്പാൽ ഇത്യാദി സ്ഥാനോ മേ പരമേശ്വർ കി സേവാ വേ കർതേ രഹേ ദീർഘ വർഷോ തക്. പ്രഭു കി സേവാ കർനേ കെ പശ്ചാത് ശാരീരിക കംസോരി കെ കാരണ വേ വിശ്രാം മേ പായേ ജാതേ തേ ഓർ ഉസ്കെ പശ്ചാത് ഏക് ബിമാരി കെ ചൽതേ വേ സംസാർ സേ അപ്നേ പ്രഭു കെ പാസ്. ഈ കാലയളവിലൊക്കെയും വിധങ്ങളിലായുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രിയ പിതാവ് തൻ്റെ കുടുംബവും കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സേവകായി കെ ദൗരാൻ മേ പ്രിയ പിതാ ഓർ ഉൻകെ പരിവാർ കെ ലോക് ജിൻ സംഘർഷോ സേ ഓർ സ്ഥിതിയോ സേ ഹോകർ ഗുജറേ ഉൻ സാരി ബാതോ കോ മേ ഇസ് സമയ സ്മരൺ കർത്താ ഹൂൻ. എന്നാൽ വിശ്വസ്തവനായ ദൈവം ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ പതറിപ്പോകാതെ അവരെ കുടുംബമായി പരിപാലിക്കുകയും ദൈവം നൽകിയ 5 മക്കളെയും അവർക്ക് യോഗ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നൽകി ദൈവം അവരെ മാനിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. സേവകായി കെ ദൗരാൻ മേ പരിവാർ കെ സാഹത് ബഹുത് ഉനോനെ ഹർ തരഹ സേ സംഘർഷ് കിയാ പരന്തു കഭി ഭി ഹതാശ് ഓ നിരാശ് നാ ഹോതേ ഹുവേ വേ പ്രഭു മേ ഭരോസാ കർതേ ഹുവേ ആഗേ ബഡേ അപ്നേ 5 ബച്ചോ കോ അച്ഛേ ശിക്ഷാ ദേനേ മേ ഉനേ പരമേശ്വർ നേ സഹായതാ കി. ഈ കാലയളവിലൊക്കെയും സമയങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നാട്ടിൽ കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളോട് സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുകയും ആത്മീയ ബന്ധത്തിലും എല്ലാ നിലയിലും സഹകരിച്ചു പോകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്നി സേവകായി കി വ്യസ്തതാ കെ ബീച്ച് മേ ഭീ സമയ നിക്കാൽ കർകെ റലാതേ ഥേ ഹമാരി പരിവാർ കെ സാത്ത് അപ്നേ പരിവാരിക് റിസ്തേ കോ ദൃഢ കർതേ ഥേ ഹമാരി ജീവൻ മേ ഹമാരി ആത്മിക് ഉത്ഥാൻ കെ ലിയെ ഹമേശാ ഉൻകെ ശബ്ദ ഓർ ഉൻകെ വിചാർ ഹമേ ആത്മിക് ഉത്ഥാൻ കി ഓർ ബഢാതേ രഹേ. അപ്പോൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ആധികാരികമായി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നന്മയ്ക്ക് മാത്രം കാരണമായി തീരുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബമായി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. പരന്തു ഹം സബോക്കെ ജീവൻ മേ ഏക് ബഡി ആശാ ഹൈ കി ഹം ഫിർ സേ അപ്നേ പിതാ സേ മിലേംഗേ ഹമാരെ ജീവൻ മേ പരിവാരിക് തൗർ സേ ഹം ബഹുത് സംഘർഷ് മേ രഹേ ബഹുത് യേ കൈസേ സ്ഥിതി സേ ഹോകർ ഹം ഗുസരേ ജിസേ ഹം ബയാൻ നഹീ കർ സക്തേ പരന്തു ഹമേ ഏക് ബഡി സൗഭാഗ്യ ഹൈ കി ഹം സബ് പ്രഭു യേശു മസീഹ് മേ പായേ ജാതേ ഹൈ
जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक उत्तम और जीवित आशा पाई जाती है। തുടർന്ന് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളവരെ കുടുംബവുമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയിലും എല്ലാ നന്മയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സഭയും ദൈവമക്കളും എല്ലാവരും തുടർന്നും സഹകരിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള അപേക്ഷയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളും। मेरे भाई और बहन विभिन्न स्थानों में यहाँ रहते हुए सेवा में पाए जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। जिस तरह से कलीसिया और प्रभु के दासगण लोग उन्हें हमेशा आत्मिक तौर से हर तरह से उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए सहायता करते आए, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आगे के समय में भी आप लोग उन्हें प्रार्थना में उठाए रहे, हर तरह से उनका सहयोग देते हुए വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പ്രകാരം ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഒരുക്കി തന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ക്രമീകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഒരുക്കിക്കൂടെ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. സഞ്ചാലനം കർത്താവേ, പാസ്റ്റർ പൗലോസ് പരിവാരത്തിലെ ദൂസരാ ബേട്ടാ ഹും പ്രഭു യേശു മസീഹയുടെ ദയാ കരുണയാൽ മേരെ പിതാ ജബ് ഇസ് സേവകായമേ ഇസ് മധ്യപ്രദേശ് കി സേവകായമേ ജബ് ആയേ വോ അകേലെ ഇസ് 16 വർഷ കി ഉമർമേ ഉസ് ജവാനിമേ യഹാ ഭോപാൽ മധ്യപ്രദേശ് ഇറ്റാർസിമേ ആകർ अपने बाइबल अध्ययन के बाद विभिन्न स्थानों में अपने सेवा कार्यरत रहते हुए आखिरी 1977 में सीहोर में आए। सीहोर की सेवकाई के उपरांत उन्होंने अपने जीवन के हर एक आत्मिक जीवन में बड़े परिश्रम और दुख और क्लेश के साथ अपने समय को बिताया। हमने अपने जीवन के उन विभिन्न स्तरों में उनके प्रभु के प्रति समर्पित भाव को अपने जीवन में हमने देखा है। और जब जब वो प्रभु के कार्य के लिए अपनी मम्मी मेरी मम्मी के साथ अपनी पत्नी के साथ जब जाते थे, उस क्लेश में परेशानियों को जीवन की सारी बातों को भूलकर प्रभु के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित होकर कार्य करते थे। मेरी मम्मी 1999 में उनका देहावसान हुआ और उसके पहले वो बीमार रहने के बाद भी कई बार उनको चलने फिरने के भी शारीरिक अवस्था पीड़ा होने के बाद भी हम लोग मना करने के बाद भी हमारे पीछे निकल कर वो कई जगह जाकर पैदल जाकर सेवा करती थी। और हमें बड़ा दुख होता था, हम प्रभु से प्रार्थना करते थे उनके जीवन की हर एक तकलीफ़ों के लिए। और इसके बाद मम्मी के देहांत के बाद भी अपनी सेवा कार्य को उन्होंने नहीं रोका। और इस प्रकार हम लोग प्रभु ने हम 5 भाई बहन दिए हैं, ये चारों भाई और मेरी बहन हम सब ने मिलकर जिस प्रकार उनके सेवकाई को देखा है उनसे कई बातें हमें सीखने को मिला है। उनके जीवन उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए समर्पित किया है। अपनी सेवा में हमेशा नियमित रूप से किसी बात पर समझौता नहीं करते थे। एक अच्छे स्तर पर रहकर वो जब अपनी सेवा करते थे, जब भी उन्होंने अपने उस निचले स्तर पर रहकर भी किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए प्रभु के कार्य को किया है। और कई बार जीवन में कठिनाई परेशानी आई, कई प्रकार के समस्या आई और उसके बीच में अच्छे ऑफर मिलने के बाद भी उन्होंने जो प्रभु ने उनको दर्शन दिया था वो दर्शन से हटकर उन्होंने कभी भी कार्य को प्रभु के कार्य को अलग नहीं किया। हम लोगों को कई बार हमारी पढ़ाई शिक्षाओं में
कई प्रकार की बाधाएं आने के बाद भी अपने सेवा में आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर होने के बाद भी हमको उस अवस्था में भी हमें शिक्षा स्तर में कभी भी हमें आगे बढ़ने से रोका नहीं। उन्होंने हम कई बार हम उससे पढ़ाई लिखाई से भी क्योंकि स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी हम पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे कार्य को छोड़कर शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए हमें अवसर दिया। और इस प्रकार हम सब भाई बहनों को उनके सानिध्य में रहकर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और प्रभु के राज्य के लिए प्रभु की महिमा के लिए हमें अच्छी प्रेरणा दिया है। हम जब भी उनके उस समर्पित जीवन को देखते हैं तो हम उस बात से समझ में आता है कि सचमुच परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है और अपने परिवार के धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ छोड़कर मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। कई बार उनको जीवन में निराशा आई, कई लोगों ने उनको सुसमाचार के बढ़ोतरी में बाधक बनने का प्रयास किया और उनको ताड़ना दी है, फिर भी उन्होंने मसीह के प्रेम के या प्रभु के सुसमाचार से अलग नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ विशेषकर इस रोग अवस्था में बीते एक साल से वो बहुत तकलीफ में और शारीरिक कमजोरी में थे। उसके बीच में भी मेरे बहन और मेरे जीजा ने उनको बहुत सेवा किया और उसके साथ मेरे भाइयों ने भी और राजू आइसक पॉलस ने और विषय और डेविड पॉलस जो मेरे सबसे छोटे भाई हैं वो समय समय पर आकर और हर एक कार्य में उनको सेवा करते थे। मेरे बड़े भाई हमारे बीच में नहीं थे, वो नौकरी में विदेश में हैं। इसके बीच में भी उनकी किसी प्रकार की कमी ना होने के लिए मेरे भाई बहनों ने सबों ने सहयोग दिया, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर मैं सीहोर प्रदेश के सारे विश्वासी गणों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनके उस महान प्रेम के लिए और विशेषकर उनकी सेवकाई के उस स्तर को जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सबों को यहाँ के सारे लोग उनको बहुत ही सम्मान दिया है और हमेशा अपने पिता का रूप में सम्मान दिया है। मुझे और केरल से जिस प्रकार मेरे ताऊजी के भाई ने बोला है मैं याद रखता हूँ, वैकम सेंटर से निकलने वाले सबसे पहले मिशनरी के रूप में वो जाने जाते हैं। और 19वीं शताब्दी के मध्यस्थ में जहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर सुसमाचार के लिए कोई मार्ग नहीं था, उस अवस्था में भी दुख और पीड़ा लेकर उन्होंने जो कार्य को किया है उसका परिणाम हम इस मध्य प्रदेश के आसपास उनके द्वारा उनके मित्रों के द्वारा हम देखते हैं। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर उपस्थित सारे जनों के लिए। आप सब लोग हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके द्वारा उनके हमारे जीवन में जो आशीष है उनके प्रार्थनाओं का प्रतिफल में है। आज मैं मुझे प्रभु की सेवकाएँ में उनका जो दायित्व है मैंने जो लिया है, हमारे भाई बहन भी उस दायित्व को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आगे आप लोगों की प्रार्थना है कि हम निरंतर प्रभु के कार्य में उनके दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार हम प्रभु में आगे बढ़ने में सहायक होने पाए। मुझे दिए गए समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आए हुए सभी श्रेष्ठ दासों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थना अभी तक रही, आगे भी हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, विशेषकर उनके सारे रिश्तेदारों के लिए, आप सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप मिस्टर M.M. जोसेफ जो प्रभु की തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിനോടനുബന്ധിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വന്ദനം. മേരെ പിതാക്ക് ഇസ് ദേവ്യോഗ് മേ ഉപസ്ഥിത സഭി ജനോക്ക് പ്രഭു യേശു കെ പവിത്ര നാമേ മേ ആപ് സബ്ക സ്വാഗതം. വോ समझ की बातों को भी हमारे साथ साझा करते थे, इन बातों में बहुत वो अनुशासित थे. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എൻ്റെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം പ്രിയ പിതാവാണ് നികത്തിയത്. കേരള മേരെ പിതാ ജോ പായ ജാതെ ഹേ മേരെ പിതാ കി ഉപസ്ഥിതി പ്രിയ പിതാ കി മൗജൂദ്ഗി സേ മേ അനുഭവ കർത്താ രഹാ. പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഓർ മേരെ ജീവൻ കേ കൈ ഐസേ അവസർ മേ മേ ഉസ് ഉപസ്ഥിതി കോ എഹ്സാസ് കർത്താ രഹാ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത പിതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം.
मुझे बहुत अच्छे तरह से मालूम है कि प्रियपिता मेरे बारे में बहुत चिंता करते हैं। पल संदर्भ या वाले लेट वीट समय पेट भार्योड़ विवड़ाण्विका पलपुरे विधिकावसर मैं अपने काम के क्षेत्र में जब रहता था कभी देरी से मैं घर आता तो मेरे पत्नी से अगर कहते थे उन्हें फ़ोन करो वे कहाँ पर है, इस तरह से बड़ी चिंता करते हुए हमेशा मेरे तरफ उनका प्यार बना। वह कहने स्वभाव और जब मैं देरी से आता तो मुझे डांटते थे अगने अद जीव सोष पिता एता या ताम पिता कड़व यावड़ाणियानर वाली आग्रह अब पिता अगे तीवन इस पिता का ये स्वभाव हमेशा मुझे केरल में पा जाने मेरे पिता को स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि जब कभी मैं केरल में भी था तो मेरे पिता जब मैं देरी से आता था मुझे डांटते थे, समय पर प्यार करते थे, मेरे लिए चिंता करते थे। इस बात को मैं यहाँ पर भी रहते हुए इस पिता के द्वारा उन बातों का अनुभव करते हुए मुझे हमेशा एहसास होता कि मैं अपने पिता से दूर नहीं हूँ, मेरा पिता की उपस्थिति हमेशा इनके द्वारा मेरे जीवन में पाई जाती है। कुछ समय तक हमारे परिवार में उन्हें रहने का अवसर मिला। मरमगन अपुरम और देवदास या रीती दैवती दासन अब तीवन मुझे दैवे समर्पर देवदास आ रीति हृदय तंधभागत अगे या पिता स्ने अब या पिता शुश्रूषिकटे जीवन वाली भाग्य या क एक दामाद होने के नाते जिस तरह से सेवा करनी है उससे बढ़कर एक परमेश्वर के सेवक जिन्होंने अपने समुचे जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया, उस श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ मैं अपने इस पिता की सेवा करने में परमेश्वर ने मेरी मदद की। झगड़े जीवित पिता झगड़े जीवित वाले मारा था नष्ट हुआ। हमारे पिता का इस संसार से हमारे बीच से अलग होना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। कई नाग पिता अस्वस्थन भारपेट कड़वान का प्रार्थिवान आश्वास वाक पर जब प्रिय पिता शारीरिक कमजोरी में थे, बीमारी में थे, तब यहाँ के तमाम प्रभु के सेवकगण आकर उनके लिए प्रार्थना करने में परमेश्वर ने उनकी मदद की। हृदय निरंजन नंदी अरियिक्कुन्नु हमारे परिवार से सभी जनों को दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद कहते हैं। झगड़ा दुख 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 अनुभविक्कुन्न ई भवनत्ते ओरोत्तुंगळे एल्लावरुम प्रार्थिक्कणमेन्न अपेक्षिच्चुकोण्ड् एन्टे वाक्कुकळ्क्कु विडामुकोळ्ळुन्नु। इस दुख को जो अनुभव कर रहे हैं हमारे परिवार को स्मरण करते हुए आप अपने दैनिक प्रार्थना में हमें स्मरण करें। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। अभी एक गीत के चरण हम गाएंगे, उसके पश्चात IPC MP स्टेट के सेक्रेटरी पास्टर वर्गीस मैथ्यू 10 मिनट हमसे परमेश्वर के वचन की से बातें करेंगे। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर, गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जय वंदो कर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर, गाऊंगा खुशी के स्वाहा जय गान, क्लेशों पर जय वंदो कर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर।
सर्वस्व करता तुझे अर्पण जके विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंदगढ़, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जय वंदो कर। आईपीसी केएमपी स्टेट के सेक्रेटरी पास्टर वर्गीस बातचीत करेंगे। प्रभु की महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारे पासवानों को, दुखित परिवार के हर एक सदस्यों को, जल्दी आने वाला यीशु नासरी के नाम से मेरा नमस्कार। सबको जय मसीह। पास्टर केजे पवलोस की देहवियों के बारे में हमने सुना। हम पर स्टर पवलोस के, हमारे पोल पवलोस के घर पर हम कुछ पास्टरों ने जाकर प्रार्थना भी किया है। उसके बाद हमें पता चला कि ये सीहोर में उनकी अंतिम यात्रा की सेवगाई इस प्रकार करते हैं। हमारे आईपीसी मध्य प्रदेश सेवगाई में शामिल होने के लिए एक अवसर हम कई पास्टरों को, मध्य प्रदेश स्टेट की आईपीसी की कई पास्टरों को, यहाँ पर पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, कई लोग यहाँ पर आया है और इस सेवगाई को में शामिल होने के लिए उनको प्रभु सहायता करते। यहाँ पर बैठे हुए श्रेष्ठ दास पास्टर मैथ्यू वर्गीस और बाकी सारे पासवानों को भी मेरा नमस्कार। कुछ शब्द बोल के मैं बैठना चाहता हूँ। मसीह की एक श्रेष्ठ योद्धा था पास्टर केजे पवलोस। अपनी छोटी सी उम्र में यहाँ पर उनके बेटे और उनके बाकी जो लोग हमें बताया कि छोटी सी उम्र में इस सेंट्रल इंडिया के लिए वो बोझ उठाकर यहाँ पर आए हैं। भिन्न भिन्न जगहों में उन्हें सेवगाई किया। कई उनकी रिटायरमेंट के बाद जो शारीरिक परेशानियों के बाद वे भोपाल आए थे, हमारी बेरगार्ड फिलाडेल्फिया चर्च में वहाँ के एक सदस्य के रूप में वहाँ पर आराधना के लिए आते थे। कई बार मैं वहाँ पर जाते उनके साथ आराधना में शामिल हुए हैं। बहुत नम्र स्वभाव का एक व्यक्ति, उनके बच्चों में भी उसी स्वभाव पाया जाता है। बहुत अच्छे रीति से प्रभु की उपस्थिति में जितने भी उनकी जीवन काल में प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए जो चाहत उनमें थी, हम सबके लिए वो एक प्रेरणा की बात है। निश्चय ही उनकी परिवार के लिए, प्रभु की राज्य के लिए एक नष्ट है उनका देहवियोग, लेकिन प्रभु की नज़रों में हम जैसे इस यहाँ पर भी पढ़ते हैं,
अपने भक्तों की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, हमारे लिए नष्ट है प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। उसका वजह यह है कि प्रभु की दृष्टि में प्रभु की भक्तों की मृत्यु अनमोल इसलिए है कि वे अपनी दौड़ को पूरा किया है, अपने दायित्व को अच्छी रीति से निभाया है, अपने विश्वास की रखवाली की है, और उसके बाद जिसने उसको नियुक्त किया उनके पास वो बड़े आनंद के साथ पहुंच जाते हैं। प्रभु उनकी इंतजार में बैठे हैं, मेरा योद्धा कब मेरे पास वापस आएंगे। प्रभु के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, ताकि प्रभु गर्व से उनको स्वीकार करते हैं, ताकि उसने जो दिया हुआ दायित्वों को मेरा योद्धा मेरा भक्त अच्छी रीति से निभाया, इसलिए उनके दृष्टि में ये अनमोल पाया जाता है। एक दो बात और बताना चाहता हूँ। हर एक विश्वासियों के लिए, भक्तों के लिए आग्रह यही होना चाहिए कि प्रभु की ओर से हमें दिए हुए उस दायित्वों को हमें पूरा करना है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे दिए हुए उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके ही मुझे यहाँ से बुला रहे, उसे पहले मत बुलाया जाए। लूकोस की जो सुसमाचार है उसकी दूसरी अध्याय की 25 से लेकर 30 तक की जो आयतें में एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम है सिमियोन। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक वायदा दिया था परमेश्वर ने। वायदा था कि जब तक प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। प्रभु की ओर से दिए हुए उस वायदा को पूरा होने से पहले उनको मृत्यु को नहीं देखेंगे। और उसके बाद 29 में 29वीं पद में ये लिखे हैं, हे सामी अब तो अपने दास को अपनी वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हमारी मृत्यु हरे की प्रार्थना की करने की कार्य में बताना चाहता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी ओर से दिए हुए उस कार्यों को पूरा करना, उस वायदाओं को मेरे हाथों से देखना, आँखों से देखना, उसके बाद शांति से इस पृथ्वी से हमें विदा होना है। कितनी अच्छी बात होगी शांति से विदा होना। प्रभु के दास को उस प्रकार की एक शांति से विदा होने के लिए उनको सहायता प्रभु ने दिया है। उनकी बेटों से मैंने सुना है बहुत कष्ट उठाया था उसकी जीवन में, बहुत परेशानियां उठाए थे, सामान रेलवे स्टेशन में रखकर उन्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए गए हैं, ये भी मैंने सुना है, बहुत कुछ सुना है। बहुत कष्ट उठाकर प्रभु के लिए कार्य किया है, लेकिन उसकी अंतिम समय बड़े शांति से उनको गुजरने के लिए प्रभु सहायता किया। अपनी बेटों की तरक्की उनको देखने के लिए प्रभु सहायता किया। बेटों ने में से कुछ लोग प्रभु में आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है, उनके बाद प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये सब देखने के लिए जानने के लिए उनको सहायता किया। उनकी मृत्यु बड़े शांति से होने के लिए प्रभु सहायता किया है। बहुत अच्छी बात है, हम सबको ये बात बहुत प्रभु में होना चाहिए। हमारी जीवन काल में जैसे क्या आएंगे मस्त।
നിത്യ വീടുന്നുണ്ടാവിടെ എത്തി കർത്താനോടു കൂടെ വിശ്രമിക്കും. യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശെ നോക്കി, യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി, ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി, അന്ത്യശ്വാസം വരെയും ജീവൻ യേശുവിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് അക്കരെ നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ ശുദ്ധ പാളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്തിൽ യേശുവിൻ പൊന്മുഖം മുത്തിടും ഞാൻ. യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശെ നോക്കി, യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി, ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി, അന്ത്യശ്വാസം വരെയും കാലം കഴിയുന്നു നാളുകൾ പോയി, കർത്താവിൻ വരവു സമീപമായി, മഹത്വനാമത്തെ കീർത്തിപ്പാനായി, ശക്തീകരിക്കാനിൻ ആത്മാവിനാ യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശെ നോക്കി, യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി, ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി, അന്ത്യശ്വാസം വരെയും യാത്ര കരുങ്ക ക്രൂസ് കോ ദേഖ, യുദ്ധ കരുങ്ക യീശു കേ ഖാതിര, മേരാ ഹീ ജീവൻ മേരി ഹർ സാത്, മുക്തി ദാതാ പേ ഖുർബാൻ, മേരാ ഹേ ജീവൻ മേരി ഹർ സാത്, മുക്തി ദാതാ പേ ഖുർബാൻ. Pastor Vincent Matthew, Pastor Sibi Isaac, Pastor Joseph Lucas, Pastor Brother Wilson Matthew, Pastor Matthew Zakaria, Pastor Matthew Yohanan, Pastor KJ Philip, Pastor James Paul, Pastor Matthew George, Pastor M.A. Unikutan, Pastor M.C. Abraham, Pastor Jacob Thomas, Pastor Matthew George, Brother Dilip, Pastor V.V. Chaco, Pastor P.P. John, Pastor Melvin, Pastor Subhash C.G., Pastor Sunil Matthew, Pastor Andreas, Pastor Nandakishore, Pastor Karan Singh, Pastor Benny Churchill, or Akbar Khan, Pastor Akbar Khan. Sabhi jan, meri chahat hai ki aap sabhi ek ek do do shabd kahein, apne samay ka dhyan rakhte huye, aap log sabko ek do piche aane walon ko bhi madad karte jaye. प्रभु की महिमा हो. इस दुख की वेला में आईपीसी भोपाल डिस्ट्रिक्ट कमेटी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. हमारे कमेटी का बाकी तीनों सदस्य भोपाल जिला से बाहर हैं. पास्टर सीपी मैथ्यू जो उपाध्यक्ष हैं, पास्टर मैथ्यू जॉन जो सचिव, और ब्रदर
पी ओ राजन जो कोषाध्यक्ष हैं वो तीनों बाहर हैं, इसलिए उनकी प्रतिनिधित्व करते हुए उनके दौड़ को पूरा करके प्रभु के पास चले गए हैं। आज इस सीमित समय में एक वचन को पढ़कर यहाँ पर बैठने के लिए मैं चाह रहा हूँ। रोमियो के पत्री 14 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 तक जो वचन मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा, जी भी उठा है कि वो मरे हुओं और जीवित हों दोनों का प्रभु है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पास्टर पौलुस अपने जीवन काल में प्रभु के लिए जिया और अंत में प्रभु के लिए मरा, प्रभु के लिए अपने सारे जीवन को समर्पित करते हुए कठिन परिश्रम से प्रभु के नाम को ऊंचा किया, बहुत सारे आत्माओं को जीतने को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे संवेदनाएं यहाँ पर वितरित करना चाहूँगा। प्रभु सबको मदद करें। प्रभु को स्तुतियों। इस दुख के समय में प्रभु का दास का बच्चे उनके परिवारों को प्रभु अपने वजन के जरिए प्रभु सांत्वना दे, खास करके पिछले अप्रैल महीना में हम लोग ट्रांसफर होते हुए बैरागढ़ आईपीसी बैरागढ़ चर्च में आने के समय पास्टर साहब का बेटी उनका परिवार हमारा चर्च का मेंबर है। जैसे हम विजिटिंग पहला समय विजिटिंग के लिए जाने के समय मेरी सिस्टर के घर पे जोसेफ ब्रदर के घर पे प्रभु का दास को मिलने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हमें उसी समय और मुलाकात होने के समय प्रभु का दास को कुछ हमसे कुछ बातचीत करना है, कहाँ से है, कैसे करके बहुत कुछ उसका चेहरा में से पता चला, कुछ बातचीत करने के लिए इच्छा है मगर नहीं हो ना पाया। मगर हर अलग अलग समय में उनको प्रार्थना करने के लिए प्रभु जीवन को समर्पण करके दुनिया का सारे चीज को छोड़ के जो सेवा प्रभु ने दिया वो सेवा करने के लिए प्रभु ने एक अच्छा दर्शन दिया, एक अच्छा भोजन दिया, दस हालू लिया, समर्पण दिया। ये दोनों पास्टर लोग अपना अच्छा जगह पर हमारा पास्टर विश्रम कर रहे, ऐसे एक जगह पर जाने के लिए हमारा जीवन के अंदर एक आशा होना चाहिए। ये दुनिया जल्दी से जल्दी जाएगा, एक हमारे जीवन के अंदर एक आशा होना चाहिए। अभी यीशु मसीह आयो तो मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा, एक बड़ा आशा के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ने का चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा भोपाल में 45 कलिश का और बैतूल आईपीसी डिस्ट्रिक्ट का और सुसमाचार थियोलॉजिकल सेमिनारी का, भोपाल स्कूल ऑफ मिशन का और आईपीसी सायन कलिश का में हमारा दुख हम करता हूँ। प्रभु ये घर को आशीष करेगा। सीओर के प्राचीन विश्वासी सीएनआई के विश्वासी रॉबर्ट वॉल्टर अंकल आगे आके दो शब्द कहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिय पासवान पौलुस साहब हमारे बीच में से
परमेश्वर के पास बुला लिए गए हैं और हर एक इंसान जो इस संसार में पैदा होता है उसको एक ना एक दिन इस संसार से कूच करना है। इस संसार में हम परदेशी हैं, यात्री के समान हैं। और मैं स्टार्टिंग में भोपाल में रहता था, जब मेरी मैरिज यहाँ हुई तब से मैं पासवान साहब को जानता हूँ और ये बड़े मिलनसार थे। हमेशा किसी भी डिनोमिनेशन को त्याग कर हर डिनोमिनेशन में जाते थे और वो प्रार्थना करते थे। हम CNI कंपाउंड में रहते हैं और मुझे याद है कि पादरी साहब साइकिल में आते थे, अपनी मिसिस के साथ आते थे और सब कंपाउंड के जितने लोग हैं सबों के बीच में जाते थे और प्रेयर करते थे। और उनको ये लालच नहीं था कि हमें कुछ मिले, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से आते थे, सबों के लिए प्रेयर करते थे और उन्होंने सीहोर में आके बहुत काम किया। साथ ही साथ मैं उन सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, विशेषकर राजू भाई का, कि उन्होंने हमें कई बार बुलाया अपनी मीटिंग्स में और पासवान साहब के हमने भाषण भी सुने, बहुत अच्छा प्रचार करते थे बेचारे। और इससे पहले बिफोर लास्ट संडे हम लोग आए थे जबकि वो बीमार थे, उनके लिए प्रेयर करके गए थे और उस समय हमने देखा कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। हालांकि मैंने भी उनको आवाज़ दी कि पादरी साहब, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। लेकिन हमें मालूम है कि हर एक इंसान को इस दिन एक ना एक दिन इस संसार से कूच करना है। इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। जैसे कि पादरी साहब ने हम सबों को बताया कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें और जितने हमारे पासवान लोग हैं हम सबों को यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलें। तो मैं ऐसे अवसर पर शोकित परिवार को सांत्वना पेश करता हूँ अपने समाज CNI की तरफ से और यही कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको इस महान दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और हमें विश्वास है कि हमारे पासवान परमेश्वर की गोद में है, सब दुखों से मुक्त होकर आज परमेश्वर की गोद में है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज से आशीष दे, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को अपने पास बुलाया। और परमेश्वर के दास को बचपन से ही हम देखते आए हैं, जब छोटे थे तब से लेकर के अभी इतने जवान हो गए। परमेश्वर ने अपने दास को अद्भुत तरीके से सीहोर के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग जब छोटे थे तब मेरी मम्मी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हर वेनसडे आकर के मेरे बच्चों को वचन सिखाया करो, तो हर वेनसडे टाइम पे अंकल आते थे और हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर बैठना। लेकिन परमेश्वर के कार्यों को उनके दास ने और दासी ने बड़े ही अद्भुत तरीके से सीहोर में किया है। और आंटी बहुत अच्छा गाती थी, अंकल स्टोरी सुनाते थे, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन सारी बातों के द्वारा आज हम प्रभु की सेवा में हैं। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। और जब मैंने 2012 में प्रभु यीशु मसीह को अपना लाइफ दिया, पढ़ने के लिए गई, सबसे ज़्यादा खुश अंकल थे। मुझे ऐसा लगता है कि अंकल मेरे को हमेशा देख के रोते थे, मैं कहती थी आप रो क्यों रहे हो मेरे को देख के, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस बात को याद करते होंगे कि परमेश्वर की सेवा का ही कैसे उन्होंने यहाँ पे किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने कैसे यंगस्टर्स को चुना। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सेवा के लिए जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी दोनों को याद करती हूँ उन्होंने किया। परमेश्वर स्वर्ग आनंदित है क्योंकि परमेश्वर के दास आज वहाँ पर है, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। कैसा महान प्रभु है हमारा,
जो हमारी मदद करते हैं हर परिस्थिति में, हर हाल में प्रभु हमारी मदद करते हैं। प्रभु के दास को मैं पिछले 30 सालों से जानता हूँ कि प्रभु की सेवा उसने यहाँ पर कैसे की है, उसको मैं जानता हूँ। परमेश्वर ने सहायता की है। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, उसमें एक वाक्यांश है, वे अपने सारे परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। वे अपने सारे परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। आ सकते हैं कि कितना एक लंबा रिश्ता आदरणीय पासवान के साथ हमारा और हमारे परिवार का रहा। बेहद ही सरल व्यक्तित्व, ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए। याद अगर मैं कहूं तो पास्टर अंकल और उनकी प्रार्थना विशेष खंडवा पेंटिकॉस्टल चर्च की ओर से, जोशुआ परिवार की ओर से, पूरे पलुस परिवार को इसमें प्रार्थना करता हूं और हमारे प्रिय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रिय परिवार की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अभी डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस आगे आएंगे और मुख्य संदेश देंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज यहाँ उपस्थित सभी पासवानों को, पास्टर पौलुस की बच्चों को और रिश्तेदार लोग, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सीहोर की कलीसिया की सदस्य लोग, भोपाल से आए हुए हमारी और भी मित्र लोग, और इस शहर से, पड़ोसियों से और इस परिवार से जितने भी मित्र हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह में हमारी नमस्कार। आज की इस विशेष समय पर जब हम इस विदाई सेवा में भाग हैं, काफ़ी लोगों ने पास्टर पौलुस के विषय पर स्मरण करते हुए बहुत सारे बातें यहाँ रखा है। मेरी मन में तुरंत यही बात आए, कुछ लोग जब जीवित रहते हैं उनके काम के विषय पर वो कैसे काम किया कईयों को समझ में नहीं आते। बहुत शांति शांत से दुनिया की किसी को भी समझ में नहीं आते हैं, अपने बड़े बड़े कामों को करके शांत से चले जाते हैं, लेकिन ऐसे समय पर ये सारे बातें बाहर आ जाते हैं। तो पास्टर पौलुस के विषय पर भी वैसे ही है। एक महान दास था, छोटे से उम्र में अपने शहर, अपने गांव छोड़ के एक विशेष उद्देश्य को नियोग प्राप्त करके ऐसी जगह पर पहुंचा। लंबे समय तक दुनिया नहीं जानते थे इतना ज़्यादा, आसपास की हम सब जानते थे, लेकिन अपने बड़े काम करके परमेश्वर के पास पहुंच गया। तो इस विषय का गवाह है आज हम ये लोग सब, इतने पासवान लोग, प्रभु के लोग सब क्यों इकट्ठे हैं, केवल एक ही कारण से हैं कि इनकी महान कार्य को, प्रभु के लिए जो किए हुआ बातों को स्मरण करने के लिए, हमारी श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार को कुछ कहने के लिए हम लोग सब पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। IOSCB को परमेश्वर बहुत आशीष दे। पास्टर जी को मैं भी पिछले करीब 40 साल से जानता हूँ, जब वो सीहोर आए तब से मैं राजू पौलुस और बच्चों के कारण से काफ़ी नज़दीक में आया, और चर्च में बार बार आने के कारण से, इन प्रिय लोग हमारे यहाँ कलीसिया में आने के कारण से भोपाल की चर्च में, तो हमारी एक संबंध जो है बढ़ने लगा और हमने देखा कि परमेश्वर सच में इस परिवार को इस्तेमाल। स्तोत्रम वेगम निन्ने काणुम ज्ञान येशुवे निनकु स्तोत्रम वेगम निन्ने काणुम ज्ञान राविले ज्ञान उणरुम्बोल भाग्यमुल्लो न
നിശ്ചയം രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ളോ നിശ്ചയം എൻ്റെ യാത്രയുടെ ആദ്യം ഇന്നലെ കാൽ അടുപ്പം എൻ്റെ യാത്രയുടെ ആദ്യം ഇന്നലെ കാൽ അടുപ്പം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ ഉറങ്ങുന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും രഥത്തിൻ്റെ ചക്രമുൻപോട്ടോടുന്നു അപ്പോഴും രഥത്തിൻ്റെ ചക്രമുൻപോട്ടോടുന്നു തേടുവാൻ ജടത്തിൻ സുഖം ഇപ്പോളല്ല സമയം തേടുവാൻ ജടത്തിൻ സുഖം ഇപ്പോളല്ല സമയം സ്വന്ത നാട്ടിൽ ദൈവമുഖം കാൺകയാത്രേ വാഞ്ചിതം സ്വന്ത നാട്ടിൽ ദൈവമുഖം കാൺകയാത്രേ വാഞ്ചിതം സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു സമയ മാമ്രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമാതീനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിയിടുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമാതീനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിയിടുന്നു എന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി ദൈവദൂതർ വരുന്നു എന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി ദൈവദൂതർ വരുന്നു വേണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു വേണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു ശുദ്ധന്മാർക്കു വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള ആകാശത്തിൽ ശുദ്ധന്മാർക്കു വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള ആകാശത്തിൽ പങ്കു Yeah.
करेंगे और इस अंतिम सेवा में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर के सामने हम सरोवर गिराएंगे। पास्टर पौलुस की इस संसार की यात्रा की अंतिम क्षणों में उनके पार्थिव शरीर लेके हम लोग पहुँचे हैं। हम परमेश्वर से परमेश्वर को धन्यवाद। ये जो प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना, हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु को प्रभु के हाथों में हम सभी को केवल उनकी शरीर हमारे बीच में है। प्रभु यीशु, हम आपको महिमा उनके जीवन के लिए देते हैं, पूरे परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए। आगे की कुछ क्षण हम लोग जहां हम खड़े रहेंगे प्रभु को फिर से महिमा करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हम चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोग एक भजन पढ़ेंगे, उसके बाद पास्टर वर्गीस हमारे बीच में दूर से आया। आप थोड़ी सी समय सांत्वना का प्रभु की वजन से हमें समझाएंगे, बताएंगे। ये जो संदेश वो देंगे वो हमें थोड़ा सा उत्साहित करने का होगा, और प्रभु की प्रेम को, प्रभु का वायदाओं को हम ये आखिरी समय भी याद करेंगे। 103 भजन हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब किसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपने गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। वो दयाचल अस्ताचल से जितने दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूलों के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, ना वो अपने स्थानों में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरे सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। आइए अब थोड़ी समय प्रभु के वचन से सुने। प्रभु का धन्यवाद हो। ये गम का, शोक का, दुख का वेला है, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ
ऐसे सौभाग्य हमें मिला है यीशु मसीह के वसीले से कि दुख के वेला में भी गम के वेला में भी एक आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। ये इसलिए है कि प्रभु ने जो कहा है ये एक बोवनी के समय है हमारे सामने हैं। जैसे बीज बोते हैं, आज हम एक बीज को मिट्टी बोने के लिए आए हैं। पास्टर पौलुस अपने जीवन काल में जो जिस प्रभु से उनका मुलाकात हुआ, उस मुलाकात से उनके जीवन में आए परिवर्तन उनके इस सांसारिक जीवन में एक अनोखे अनुभव के साथ एक अलगदाई के सेवकाई में वे जुटे रहे। इस वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन बात यही है, मसीह जीवन में एक आशा है, जो गम का हो, दुख का हो, परेशानियों से भरा हुआ हो, लेकिन उनके हर दिन हर परेशानी के मध्य में एक आशा है। सब कुछ मिलकर एक भलाई को उत्पन्न करने वाले प्रभु को जानने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया है। ये सौभाग्य हमारे जीवन में उस बात को देखने के लिए, वर्तमान का नहीं भविष्य को देखने के लिए मजबूर करता है। उस मजबूरी हमारे जीवन में इतना दृढ़ता प्रदान करते हैं कि यहाँ के सारे दुख को, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, थोड़ी देर का है, सारी चीज़ें यहाँ का है। जैसे गीत भी हम गाए हैं, यहाँ के दुख एक दिन खत्म होगा, वहाँ के सुख कभी खत्म नहीं होने वाला। सो ये गम के समय में वो आशा हमारे जीवन में इस गम के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। हर बात यही रहता है, ये अनुग्रह हमारे जीवन में, ये सौभाग्य हमारे जीवन में जब मिला है, हम ये याद रखें। जैसे प्रभु ने कहा, अपने शरीर में हम रहते हुए जो कुछ हम करते हैं, जैसे हमारे जीवन बिताते हैं, इसके अनुसार एक दिन एक प्रतिफल हमें मिलने वाला है। सो ये अनुभव हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रहना है, तो उस बात को याद रखना है जैसे प्रभु ने कहा। जैसे प्रभु ने संसार में रहकर एक आदर्श हमें दिया है, उस पद चिन्हों पर चलते हुए उसकी महिमा करने के लिए हमें इस संसार में रखा है। जीवन से मृत्यु तक हमारा जीवन हमेशा उस प्रभु को यदि नहीं दिखा पाए, हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे हर कार्य से दिखा नहीं पाए, तो हमारे मनुष्य जीवन व्यर्थ ठहरता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 50 वर्ष के हम दोनों के संबंध के समझ से इस बात को मैं जोर से कह पाऊँगा कि सचमुच में पौलुस ने अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ जो सेवकाई प्रभु ने उन्हें दिया है, किसी प्रकार की कोई कलंक उसमें ना आने दिया, और सच्चे दिल से वो सेवकाई किया, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि उसके मालिक को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन बिताया, ये गवाह हो। और इसलिए मैं कहा, गम के ये मौके उनके बच्चों को, उनसे संबंध रखने वालों को हमेशा ये स्मरण करने के लिए एक बात है कि आगे अपने जीवन में भी ये आदर्श के साथ बिताएं और प्रभु को महिमा देते हुए अपने पिता के या अपने मित्र के, अपने भाई के उस चरित्र को अपने जीवन से भी बरकरार रखते हुए महिमा करने के लिए अपने आप को अर्पण करने पाएं। और मैं दूसरी भाग में चाहूँ, एक बोवनी है, जैसे कुरिन्थियों के पत्री पौलुस ने यह स्पष्ट किया, यदि एक बीज गेहूं हो या कोई भी दाना हो, हम बोते हैं, वो मरते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। पौलुस ने यह स्पष्ट किया है, अनादर के ये भो बीज बोते हैं, आदर के साथ वो जी उठेगा। सो हमारे आशा यही है, हमारे गम इसलिए आनंद में बदलता है, ये वो ये बीज नाशवान और हर समय सड़ने वाले ये बीज एक अविनाशी जीवन के साथ, आदर के साथ जी उठेगा। प्रभु ने कहा, मुझे विश्वास करने वाले मरे तो भी वो जिएगा। इन्हें हम अभी इस मिट्टी पे सुपुर्द करते हैं एक बीज के समान, इसलिए ये नाश होने के लिए एक नई रूप से, एक नई रूप के साथ, महिमा से महिमा के साथ वो जी उठेगा। हम सब जैसे गाते हैं, हम एक दिन थोड़ी देर में हम उन्हें देखेंगे, हमें भी थोड़ी देर यहाँ दिया है कि हमारे फर्ज को प्रभु के उद्देश्य अनुसार, जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से हमें रखा है, उसके पूरा करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को जानने के लिए, ताकि
जैसे इन्होंने अपने जीवन को बिताया है, एक आदर्शमय, एक गवाह के जीवन बिताया है, वैसे ही जीवन बिताते हुए उस महिमामय प्रभु को अपने जीवन से हम प्रकट करते हुए आदर के साथ, जी उठने की उम्मीद के साथ अपने आप को जाते हुए उसी मार्ग से जिस मार्ग से प्रभु गया है और हमसे कहा मेरे पीछे हो लो, उसे पीछे होकर अपने सलीब को लेते हुए कष्टदायों के मध्य में, परेशानियों के मध्य में, अपमान के मध्य में, निंदा सहते हुए प्रभु को महिमा देते हुए हम जिएंगे, तो हम जिए मरेंगे तो भी जिएंगे, एक आशा हमारे जीवन में है। सो हम ये बीज को आज हम मिट्टी के सुपुर्द करते समय एक बात याद रखें, जैसे प्रभु ने कहा, प्रभु में जो मृतक है, मरते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम करना है। इसका मतलब प्रभु में जीवित रहकर परिश्रम करने वाले को ही विश्राम मिलेगा। हमारे जीवन में हमें ये चुनने का पूर्ण अधिकार है, कौन सी मार से होकर क्या हम चुनने चाहते हैं। यदि रोमियो के पत्र पौलोस जैसे कहता है, यदि आदर, यदि महिमा आप चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको मिल जाएगा। तो वो रास्ता हम नापें जिससे प्रभु गया है, हमें भी अनुग्रह दिया है उसके पीछे होने के लिए। सो ये बीज के माफिक हमारे जीवन को भी एक दिन हमें ये सोमना पड़ेगा, तब हमारे अंत क्या होगा, हमारे आशा क्या है, हमारा जीवन में भविष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। आज पौलुस साहब अपने जीवन से ये सिद्ध किया है, धन्य है उनके बच्चे, धन्य हैं उनके साथ संबंध रखने वाला, धन्य है क्योंकि ऐसे एक पिता, ऐसे एक दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे परिवारजन मिला है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, एक आशा के साथ, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, ये शुरुआत है, आनंदता के शुरुआत है। सो हमें भी उसके साथ जोड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को अर्पण करें। बस इतना याद करें, जो प्रभु में परिश्रम किए हैं, जो प्रभु में जीवित है, जो प्रभु में है, उन्हें आखिरी दिन जी उठाएगा। इस धरती पर मेरी आजा में रोज दुख मुसीबत है, इस धरती पर मेरी आजा में रोज दुख मुसीबत है, जब तू आएगा मुझे ले से प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में स्थानीय है सीएनए कलीसिया के पासवान पास्टर संदीप है, आप इस समय पर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजने वाले पराक्रमी प्यारे परमेश्वर पिता, हम तमाम प्यारे प्रभु जी अपने प्रिय लोगों के साथ आज आपके सम्मुख आते हैं, आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं, और विशेष करके प्यारे प्रभु जी इस दुख और प्यारे प्रभु जी कठिन दौर में प्यारे पिता हम आपसे प्रार्थना करते विनती करते हैं कि जब आज हम सबके मन प्यारे प्रभु जी शोकित हैं, दुखित हैं प्यारे पिता, और विशेष करके हम सब ने हमारे प्रिय पौलुस जी को प्यारे प्रभु जी खोया है, और ये हमारा मत है, ये विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि आज वो आपके पास उपस्थित हैं। हम उनके जीवन के लिए प्यारे प्रभु जी जो दीर्घायु आपने उन्हें दिया प्यारे पिता, उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और विशेष करके प्यारे प्रभु जी जबकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को आपकी सेवा में आपकी महिमा के लिए लगा दिया प्यारे पिता,
हम इस बात के लिए भी प्यारे पिता आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उन्हें संभाला, आपने उन्हें दीर्घायु दी प्यारे प्रभु जी। और जो प्यारे पिता जो सेवा उन्होंने अपने मसीह समाज के बीच में, अन्य जातियों के बीच में और इस पूरे शहर में रह कर के प्यारे पिता और जितने भी आसपास के गांव में जा कर के उन्होंने दी है, हमारी विनती है प्रार्थना प्यारे प्रभु जी की जो बीज उन्होंने बोया है और दे प्यारे प्रभु जी की अब बहुतायत से प्यारे पिता फल लाने वाला उन्हें दे प्यारे प्रभु जी की लोग बाग उनकी सेवा को हमेशा स्मरण करें, उनके जीवन को और उनकी बताए हुए बातों को जो कि उन्होंने आपके वचन से अपने लोगों को बताया। हमारी प्रार्थना विनती प्यारे प्रभु जी विशेष करके जो हमारा शोकित परिवार है, दुखी परिवार है, आप उन्हें अपनी सांत्वना दें, अपने ढांढस दें प्यारे प्रभु जी, हिम्मत और ताकत दें प्यारे पिता, और ऐसे कठिन दौर में पूरे परिवार के लोगों को आप संभालें। धन्यवाद देते हैं कि आज तमाम हमारे प्रिय लोग, मसीह भाई बहन, अन्य मित्र और तमाम जो जान पहचान के लोग अन्य अन्य स्थानों से आकर के यहाँ एकत्र हैं, सभी की उपस्थिति के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सभी को यहाँ का मार्ग दिखाया, सुरक्षित आप लेकर के आए और उन्हें दे प्यारे प्रभु जी की जो विधि विधान हम करते हैं और जिस रीति से उनके पार्थिव उदेह को प्यारे पिता आपके सुपुर्द करते हैं प्यारे प्रभु जी, इन सब पर प्यारे पिता आपकी अगुवाई हो और होने दे प्यारे प्रभु जी आज का ये दिन, ये समय हम सब के लिए भी एक सबक हो प्यारे पिता कि हम इस बात को जाने, इस बात पर विश्वास करें कि हम मसीहों के लिए प्यारे प्रभु जी जो मृत्यु है एक कटु सत्य है और एक दिन हम सबको इससे होकर के प्यारे प्रभु जी जाना है। और तो प्यारे पिता कि इस समय को हम आदर और इज्जत दें और आपकी उपस्थिति को प्यारे प्रभु जी नाजिर हाजिर जान करके आपको आदर देते हुए प्यारे पिता हम इस विधि को और इस जो संस्कार है प्यारे प्रभु जी से हम पूरा कर सकें। प्यारे प्रभु जी आगे विशेष करके जितने पासवान हैं और प्रिय लोग हैं प्यारे प्रभु जी जब इस विधि को पूरा करते हैं आप सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई दें और विशेष करके प्यारे पिता उसका सामर्थ्य और उन्हें दे प्यारे प्रभु जी की जो हमारा पूरी परिवार है जो शोकित है उन्हें ढांढस और हिम्मत आप देते रहें। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देंगे, प्रार्थना प्यारे प्रभु जी के नाम में। आमीन। पवित्र शास्त्र के बारे में आप लोग पिछले 2-3 घंटों से सुनते आ रहे थे, हमारे पास इस आखिरी क्षण में आपको इसके अलावा और कुछ देने का नहीं, क्योंकि इस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ सच सत्य है, वही वचनों से हम एक दूसरों को उत्तेजना दे, उत्साहित करें। मैं एक बार और इस अंतिम समय में जब हम थोड़ी सी क्षणों में इस बॉक्स वहीं उतारेंगे, उसके बाद में प्रार्थना होगा, फिर वचन होगा, फिर उसके बाद हम लोग सब मिलके मिट्टी देंगे, लेकिन इस समय पर भी हम इस वचन पर विश्वास करेंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। हमारे पास इसके अलावा कोई विशेष विधि नहीं है। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और एक क्षण भर में फलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमृता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकाल दिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी ठंग कहाँ रहा, मृत्यु का ठंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारे हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बहुत सुंदर ईश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हुए हम हमारे प्रिय परिवार पासवान जी को अंतिम विदा दे रहे हैं। क्या विश्वास मेरे और आपके अंदर में है,
ये मिट्टी में जा रहे हैं लेकिन वहीं से जी उठे। ये इससे बड़ी कोई आशा किसी और को नहीं है जो प्रभु ने आपके और मेरे अंदर दिया। इसलिए हम लिखा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में। चले 40 साल तुम्हारे प्रिय भाई ने जो काम किया, 50 साल किया या जिससे भी ज़्यादा किया, वो व्यर्थ नहीं है। और परिवार के सदस्य ये समझ कर रहे जब आप संधि विदा दे रहे हैं तो आपका काम भी व्यर्थ न रहे, उसमें बढ़ते जाओ। जब हम प्रभु को फिर से स्तुति करेंगे उस समय पर अंतिम आखिरी समय जो आपको देखना या चुम्बन देना जो भी अंतिम तरीके से परिवार के लोग करना या बाहर से कोई भी आया फिर नहीं देखा है तो आपको दो क्षण हम दे रहे हैं। उसके बाद कफिन बॉक्स को हम बंद करेंगे, फिर उसके बाद नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद हम लोग फिर से प्रार्थना करके प्रभु का वचन पढ़ के हम लोग मिल के मिट्टी देंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। उस समय प्रिय लोग जिनको देखना है जो बाहर से आया अगर कोई भी बचा है तो आपके लिए एक दो क्षण हम और देना है और परिवार के लिए। अगर पूरा हो गया तो बेटे लोग सामने आए मिल के कफन को बंद करें। अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, भूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि मेरे साथ क्योंकि मेरे साथ है तू, कोई हानि न होगी मुझे। स्वर्ग देश में तुझे देखने स्वर्ग सियोन जाने को मेरे पर मेरे आप लोग मिलकर ब्रदर्स भाई लोग सब मिलकर सभी लोग मिलकर करिए आप सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के समय के बाद में हम मिलके प्रभु के दास जो हमसे चले गया उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हुए मिट्टी देंगे। पवित्र प्रेमी जीवदेव परमेश्वर पिता पास्टर के जे पौलोस की जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस संसार में जीवन बिताने में प्रभु जी उनके जन्म से लेके अंतिम श्वास लिया तब तक प्रभु आपने सहायता किया। उनकी जीवन की यात्रा में बहुत बड़े बड़े कार्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से प्रभु ने इस शहर में उनको लेके आया आशा के साथ। इस वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इनकी शरीर को मिट्टी देते हैं। परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारे प्रिय भाई पौलुस जी आप भी जाएं, लेकिन उस दिन जब प्रभु की वचन के द्वारा से तुरही फूके जाएंगे आप भी जीवित होंगे, आप भी पुनर्धान होकर उठ के जाएंगे। उसी विश्वास के साथ परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, आदर देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। पूरे परिवार के ऊपर तेरी शांति रहे।
सभी के ऊपर तेरी अनुग्रह रहे। आपको महिमा आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। परिवार के सदस्य लोग, बाकी सभी लोग विश्वास के साथ इस समय पर हमारे प्रिय भाई को अंतिम विदा दे सकते हैं। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, वह उनके अंगों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी इस समय हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके दास के जीवन के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी और जब आपके दास को आपके कृपापूर्ण हाथों में जब समर्पित किया परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे हमारी आशा है प्रभु पिता, जब तुरी फूके जाएंगे परमेश्वर आपके दास जी उठेंगे परमेश्वर पिता, प्रभु हम दुआ करते हैं दुखी परिवार में परमेश्वर आप अपने शांति को जो समझ से परे है प्रभु जी आप दे परमेश्वर पिता, प्रभु यहाँ पे उपस्थित हर एक के जीवन को भी जांचने के लिए प्रभु सहायता करना ताकि हम विश्वास योग्यता के साथ में हमारे जीवन को जी सके परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परिवार की ओर से पास्टर पॉल पॉलस आपको धन्यवाद की देंगे और सूचनाओं का एक बार सब रखेंगे ना फिर वो कहीं इधर उधर नहीं जाए, दूसरा बरसी रखते जाओ। ऊपर से घुमा कर
वो आगे आखिरी है पीछे हटो तो पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ थोड़ा